व्यास भगवान का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। दुख नाशो भवेदी हो, भगवान शिव एक ऐसा देव है जीवन के सभी दुखों में से मुक्त कर सकता है। देवताओं को दुखों में से मुक्त कर सकता है तो मनुष्य के दुख तो एक पूर्ण समान है ही नहीं समझो। और आगे बात कही सुंदर, शिव जी मां आद्यशक्ति को निरंतर कथा सुनाते रहते हैं। भगवान महादेव तो निरंतर कथा गाते ही रहते हैं, अत्र वक्ता महादेव निरंतर शंकर जी कथा गाते हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला, शिव जी निरंतर कथा गाते रहते हैं। तो परमेश्वरी को कहते हैं, हे परमेश्वरी, इस लोक में जिस प्रकार रुद्राक्ष शुभ बल का दाता है, जो हमने दो दिन से रुद्राक्ष के पर हमने प्रवचन किया, इस श्लोक शिव महाप्रद ग्रंथ का है। और महादेव ने स्वयं ने आद्य शक्ति को कहा है, जिस प्रकार रुद्राक्ष शुभ फल दाता है, रुद्राक्ष क्यों फरते हैं हम, रुद्राक्ष हम क्यों धारण करते हैं, तो यहां भगवान स्वयं महादेव ने कहा है ये शुभ फल देने वाला है। रम रुद्र रोगनाशय धन्वंतर रुद्र है अधिक आरोप्य सर्वेशा, मनुष्य मात्र रुद्राक्ष धारण करने का अधिकारी है, सर्व के लिए मंगलकारी रुद्राक्ष माना जाता है। ये भगवान शिव ने कहा है रुद्राक्ष हमेशा शुभ फल ही देता है। बहुत समय पहले एक लड़का मेरे पास आया था, कहे वो कह रहा था कि रुद्राक्ष पहनने से अहित हो सकता है, तो मैंने कहा भूत और भविष्य कभी नहीं, शिव स्मरण करने से, रुद्राक्ष धारण करने से, भस्म का त्रिकोण और भस्म की बिंदी करने से कभी किसी का अहित नहीं होता। और भगवान व्यास ने वचन दिया है शिव भक्ति शिव पूजा शिव स्मरण कभी निष्फल नहीं होता, ये निरंतर फल देने वाले हैं। और ऐसा फल मिलता है फलम भक्तो न शक्नोमि, इस फल का कोई वर्णन नहीं कर सकते। यहां भगवान स्वयं महादेव जी कहते हैं रुद्राक्ष हर हमेशा शुभ फल देने वाला रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष की माला, मालाओं में राजा माला है।